मैंने कल भी कहा और आज मैं कहता हूँ, उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम के साथ न्याय मिलेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन करता है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके षड्यंत्र करके और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो, और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं समझते हैं तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम है इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है।